So guys, one more thing I want to make you inform that if you want me to speak in English for a full day, like if you want a full vlog in English, so please comment down in the section that we want an English vlog. So I will accept your request, but on two conditions, that there should be a 20 likes and 10 comments. If I will reach there, so I will make a vlog in English, full of the English, and thank you so much. Hey guys, welcome back to my vlog channel. Hopefully आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो guys, आज है 6th day, आज छठा दिन है, ठीक है. तो आज छठा दिन है किस चीज़ का, मैंने अब देख ही रहूँगे 6 दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. अभी छठा दिन और मैं सारा सामान मैंने रख लिया है इसके अंदर. अभी ज़्यादा सारा सामान है नहीं, पर अभी क्या है कि पहले ले लिया पानी की बोतल, उसके बाद पेचकस और उसके बाद क्या दोनों गुठलियाँ, ठीक है. जल्दी बंद कर इसको, ये बंद मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बाहर गाने चल रहे हैं ना माता के, और क्या पता यार कॉपरेट वगैरह आ जाता है ना कभी कभार पीछे से, तो इस वजह से मैंने बंद करवा दिया, ठीक है. तो अभी क्या है कि सारा सामान रख लेता हूँ और जल्दी जल्दी चलता हूँ यहाँ से. आज मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, कल जितना अच्छा नहीं है पर ठीक है, क्योंकि धूप निकल रही है ना काफ़ी ज़्यादा. देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ गई यहाँ पे, मुझे लग रहा है यार कॉपरेट वगैरह ना आ जाए, वरना फिर पूरी आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है. इस वजह से मैं थोड़ा दूर से करता हूँ शूट, ठीक है, इसलिए गेट लगा रखा मैंने, ठीक है. तो जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले सामान रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपना चलते हैं. आज मेरा दूसरा बैग है क्योंकि पहला बैग जो है अरुण भाई लेके चला गया है, ठीक है. उसका बैग बोरा, उसको ठीक करवाना है, मतलब उसमें क्या करवाना है, सिलाई करवानी. उसकी तनी जो है ना थोड़ी फट गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पहले सिलवाना है, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे. पता नहीं पहले आगे की सिलवाऊंगा या फिर जाते हुए सिलवाऊंगा, पर पता नहीं, पर सिलवाऊंगा, आज सिलवाना है ये, ठीक है. और ये बाहर देखो ये सब चल गया, ये जो होती है बाहर मशीन होती है चलने वाली, वो चल गई. अब देखो मैं बोल नहीं पा रहा ढंग से, अब डिस्टर्बेंस हो रही है काफ़ी ज़्यादा. इस वजह से मैं कल भी बताया था मैंने आपको ये सब सीन होता है मेरे यहाँ. तो चलो जल्दी सामान लेते हैं जरूरी, ठीक है, उसके बाद सीधा निकलते हैं चलो. तो भाई सारा सामान मैंने पैक कर लिया है इस बैग में, ठीक है, आज नया वाला बैग है. तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, और आज 5 बजे नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि यार थोड़ा लेट हो जाता है आने में, ठीक है. तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी कोई लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे बढ़िया से लोकेशन हो पेड़ लगाने के, जल्दी चलो. तो रोड ढहा हुआ है यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे पेड़ पौधा लगा रखा है. ये देखो ट्रक वगैरह भी साइड से निकल रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा ढहा हुआ है नीचे की तरफ रोड. ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, पसीना देख रहे हो कितना ज़्यादा आ रखा है यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा. भाई इतना ज़्यादा पानी कैसे भर गया, तो कैसे रोड पे चढ़ के जाना पड़ेगा यार, तो बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा है, देखना कितना पानी भरा होगा. यहाँ तक तो आ चुका हूँ, पर यार यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है. यहाँ पे पीछे एक कुटिया है, वहाँ पे कोई था ही नहीं अंदर. अब मैं आगे जाके देखता हूँ यार, कोई हो तो ठीक है मैं पूछूँ, वरना तो फिर दूसरी लोकेशन पे जाऊँ. बाकी लोकेशन ये है, काफ़ी ठीक लोकेशन है. अगर मिल गए यहाँ पे परमिशन तो बढ़िया पेड़ लग जाएंगे यहाँ पे, जैसे लाइन में लगे पड़े हैं ना ऐसे मैं भी लाइन में लगा दूंगा, तो इसी तरीके से वो भी उग जाएगा. तो चलो देखते हैं यार, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी लोकेशन पर जाते हैं. कहाँ पे? नथुपुरा में रहते हैं. यहाँ पे कब आएंगे? अच्छा यहाँ वैसे आप रहे थोड़ी देर यहाँ बैठे हुए हो देखभाल के लिए, या फिर वैसे ऐसे आए हो घूमने के लिए? घूमने आए हो? भैंस चला रहे हो? अच्छा यहीं चलाते हो भैंस? अच्छा मेरे को ये पूछना था, एक मिनट, मेरे को ये पूछना था कि मैं ना आम के पेड़ लगा रहा हूँ, तो मुझे आम के पेड़ लगाना है, यहाँ पे कोई जगह मिल जाएगी ढंग की सी? वैसे तो मेरे पास गुठलियाँ हैं, पूरे पेड़ नहीं है, ठीक है, पर वही है 50-50 करीबन पेड़ लगाने की रखी है मैंने. तो अभी कुछ कुछ जगह लगा चुका हूँ, दो गुठलियाँ करके, दो गुठलियाँ लगानी है मुझे. तो यहाँ कोई जगह बता दो अच्छी सी जहाँ पे लग सके. कहाँ बैठे? वो सूरज जहाँ पे वो वापस खुली है वाला. अच्छा वहाँ पे शटर लागी उसके काम. अच्छा उन्हीं का है ये? कोई से पूछ लियो भाई, मेरा नहीं है, बता इसे चराती हूँ भाई. अच्छा चलो कोई बात नहीं. यहाँ पर आना तो बिल्कुल बेकार रहा, यहाँ पे कोई था ही नहीं, और वैसे भी एक ही अम्मा मिली, उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ गाय चराने आती हूँ, और बाकी यहाँ पे तुम आगे पूछना है तो फिर आगे बिल्डर के पास चले जाओ. मैंने कहाँ, बिल्डर का ऑफिस बड़ी दूर है यार, तो मैं वहाँ तो जाऊँगा नहीं, इसलिए आगे कोई लोकेशन देख लेता हूँ जो सही हो. तो आगे चलते हैं चलो. सोच रहा था यार यहाँ पे लग जाते ना तो बेटर रहता, क्योंकि लाइन से लगे पड़े हैं ना, अच्छा भी लग रहे हैं. व्यू देखो गाइस कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ से पूरा व्यू है ये. ये यार यहाँ पे हो जाए तो ठीक है, देखते चलो यहाँ पे पूछ लेते एक बार क्या सीन है.
यहाँ से भी मना हो गई, अब कहाँ जाएं। एक तो यार पहले इन कीचड़ों को पार कर लो, तब जाके तो पेड़ लगा लो, या तो एक कीचड़ पार कर लो या कुछ और काम कर लो। मनाही तो यहाँ से भी हो चुकी है, अब देखते हैं यार कहाँ जाएंगे। चलो हेलो, एक मिनट रुको। ठीक, चार तीन जगहों से कैंसिल हो चुकी है, अभी चौथी जगह है जहाँ पे मैं पूछना आया हूँ, यहाँ पे देखता हूँ जरा हो जाता है। मुझे यहाँ पे जगह मिल चुकी है पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। कम से कम चार जगह से मना हो चुकी है, चार जगह से उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे पेड़ नहीं लगाना। तो अंकल जी ने यहाँ पे कह दिया कि चलो पेड़ लगा सकते हो। सो गाइस, जो पहले वाली जगह थी वहाँ पे भी कैंसिल हो गया था। वहाँ पे जब जो जैसे अंकल से मैंने पूछी थी ना, वो वहाँ के ओरिजिनल वो नहीं थे, गार्ड नहीं थे, पर दूसरा गार्ड आया तो उसने मना कर दिया, कह रहा है यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, जब इंचार्ज आएगा तो मैं पूछ के बताऊँगा। तो फाइनली मुझे जाके यहाँ पे अब पूरी तरीके से मैंने अच्छी तरीके से कंफर्म कर लिया कि मैं यहाँ पे लगा लूँ या ना लगा लूँ। तो अंकल ने मुझे कह दिया यही ये वो है, पूरी की पूरी ये पूरा खेत टाइप है। ठीक है, तो अब मैं लगाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, ये साइड में इसलिए लगाऊँगा क्योंकि देखो देखो मच्छर देखो देखो कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं साइड में लगाऊँगा ताकि ज़्यादा कोई यहाँ पे खेले वेले भी तो छेड़े ना। ठीक है, यहाँ पे लगाऊँगा साइड में। चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कम से कम चार जगह से मनाही होने के बाद कम से कम यहाँ पे अंकल जी ने हाँ कर दिया यहाँ पे लगाने के लिए आम का पेड़। ठीक है, पेड़ नहीं है, गुठली है, पर जो भी है आगे जाके तो पेड़ बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी जगह आ जाइए, चौथी जगह, और मैं यहाँ पे पेड़ लगाने वाला हूँ। अब ये पूरा पूरा दिखा दो भैया, यहाँ पे मैं साइड में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ना अगर आने वाले टाइम पे या तो बच्चे वगैरह खेलने लग जाते हैं या फिर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं हारते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना, तो उसकी वजह से पेड़ में हट जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है जब तक बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो मैं साइड में लगाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि ताकि कोई छेड़े ना उसको और ज़्यादा जानवर उसको परेशान ना करे। ठीक है, तो बाइक में सारा सामान निकाल लेता हूँ, भाई थोड़ा पास में आ जाओ। ठीक है, तो ये मैं पानी की बोतल, थोड़ा ये रहा पेचकस, ठीक है, और भाई ये रही दोनों गुटलियाँ। ठीक है, मैं पूरा दिख रहा हूँ ना, पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सारा सामान जितना भी है सारा यही है मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले यहाँ पे खोदना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मेरा ना भाई पूरा दिखे, ठीक है, ऐसे करके मतलब गड्ढा भी दिखे मैं भी दिखूँ। ठीक है, तो भाई ज़्यादा नहीं खोदूंगा क्योंकि जिनसे मैंने पूछा था लगाने के बारे में उन्होंने कहा था कि ज़्यादा खोदना नहीं है, कम ही खोदना है, क्योंकि जब निकलेगा ना यहाँ से पेड़ पौधा तो फिर आसानी से निकल जाएगा, और ज़्यादा खोदोगे तो फिर वो ईंट पत्थर जो है ना उसको निकालने में दिक्कत कर देते। ठीक है, तो भाई ये मैंने खोद दिया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको थोड़ा बहुत अंदर नमी मिल जाए। वैसे तो मिट्टी बहुत नम है, पर फिर भी अपने उसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये गुठलियाँ तो ये लगाने जा रहा हूँ अपनी पहली गुठली। ठीक है, ये मेरी पहली गुठली। ठीक है, ये मैं लगा दूंगा यहाँ पे। अब इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, अब इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा पानी डालूंगा। ठीक है, ताकि ये भी थोड़ी बहुत गुठली नम हो जाए क्योंकि मैं सुखा रखी थी नहीं धूप में काफ़ी दिन से। चलो पानी डाल दिया इसमें, अब इस पर मिट्टी का थोड़ा चूरा करके ताकि इसमें कोई भी वो ना बचे, कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो। ठीक है, इसलिए मैं मिट्टी में ऐसे करके डालूंगा, चूरा करूंगा पहले, और ये सारी सारी घास फूस निकाल दूंगा साइड में थोड़ा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके डालता हूँ उसके ऊपर मैं। तो ये भाई लगा दिया, और मैं थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से डाल देता हूँ। अब हल्का सा ज़्यादा मिलेगा बस क्योंकि ऊपर से है ना पानी। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी पहली जगह जहाँ पे मैंने गुठली लगाई है। ठीक है, अब मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ कहाँ पे लगाऊंगा, पास में नहीं लगाऊंगा, दूर ही लगाऊंगा, जो मैंने पहली वीडियो में बताया आपको और पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, ताकि तब तना निकलेगा तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसको, तो थोड़ा जगह लगाएंगे। आ जाओ भाई जी, इधर को आ जाओ। तो दूसरी जगह दोस्तों ये है, कम से कम 5 से 6 कदमों की दूरी पर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे खोदना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मैंने और भी जगह लगा रखा है पर वहाँ मच्छर कम थे यार, काफ़ी ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे क्योंकि नमी है ना यहाँ पे, तो गड्ढा काफ़ी हो गया है क्योंकि मिट्टी यहाँ पे ना काफ़ी नम मिट्टी है, जल्दी हो गया गड्ढा। हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, वो तो सोख लेगी मिट्टी। तो बस ये मेरी दूसरी गुठली, ठीक है, ये दूसरी गुठली है, ये मैंने आसपास नहीं लगाई है, थोड़ी दूरी लगाई है ताकि तना जब निकलेगा तो फिर थोड़ी जगह बचेगी। ठीक है, ये मेरी दूसरी गुठली रही, अब इसमें ऊपर से पानी डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि ज़्यादा पानी चला गया था ना इस बार। चलो ये लग गई दूसरी गुठली, ये डाल दी मिट्टी, वैसे क्या इसके अंदर कंकड़ है नहीं तो बचोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो हल्का सा पानी उड़ा लेंगे, थोड़ा हाथ धो लूं।
तो गाइस फाइनली मैंने दोनों गुठली अपनी अपनी जगह पे लगा दी भाई। पहली गुठली ये रही, कम से कम 8 से 9 कदमों की दूरी पे पहली गुठली ये रही, ठीक है। और भाई दूसरी गुठली दिखा देता हूँ, दूसरी गुठली आस पास ही है, दूसरी गुठली ये रही, ठीक है। अब हम क्या है कि ये दिखा दें यहाँ पे, हाँ बस। अब क्या है कि भाई हम नियमित रूप से यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लेते रहेंगे, भाई भी बाकी यहाँ पे वो करते रहेंगे, यहाँ पे भाई भी बाकी मतलब देखभाल करते रहेंगे इसके अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे आके देखता रहूँगा, इतने मैं और भी गुठलियाँ लगाने की तैयारी करूँगा आज। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं कल बताना भूल गया था, कल मैंने पूरी 10 गुठलियाँ कंप्लीट कर दी हैं इस फूल बाग के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पे, ठीक है। मैं कल बताना भूल गया था, तो मैं आज बता रहा हूँ। आज ये 12 गुठलियाँ थी, 12वीं गुठली थी, ठीक है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देखी और इतना सहयोग किया, ठीक है। तो शुक्रिया, मैं अभी यहाँ से घर निकलने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, 4 जगह पर पता कर चुका हूँ। उन लोगों ने सबने मना कर दिया था क्योंकि उनकी अपनी नर्सरी नहीं थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपनी नर्सरी नहीं होती, पर क्या है कि सिर्फ पेड़ लगाना होता और कुछ नहीं होता, बाकी आगे आने पर ना हमें हमारी हेल्प करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो चलने के यहाँ से तैयारी करते हैं और भाई को कहते हैं शुक्रिया, ठीक है भाई। शुक्रिया भाई, भाई ने कैमरा हैंडल किया तो बहुत 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 शुक्रिया। चलो शाम हो चुकी है यहाँ पे, तुम देख सकते हो, ठीक है। अब जाके मैं घर पे निकल रहा हूँ, अभी भी पहुँचा नहीं घर पे, अभी देखते हैं कितने टाइम में घर पहुँचते। चलो घर पे भी आ चुका हूँ, देखो कितने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं तब तुम पैदल चल के कहीं पे जाते हो और पैदल चल के आते हो। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ आज मैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। घर पे आने के बाद मैंने सीधा अपना सबसे पहला काम किया, मैं नहाया, क्योंकि यार आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि आई फ्लू चल रहा है, ठीक है। आई फ्लू से बचो यार, जितना हो सकता है इससे बचने के 2 से 3 तरीके हैं कि तुम साफ सफाई ज़्यादा रख सकते हो अपने आसपास, ऐसे बंदे के कॉन्टैक्ट में बताओ जिसको आई फ्लू हो, ठीक है। और जहाँ तक साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन है कि डॉक्टर नहीं मानते इस चीज़ को कि किसी की आंखों में देखने से आई फ्लू आपको भी हो सकता है, पर जहाँ तक है यार फिर भी किसी की आंखों में मत देखो, अपनी सेफ्टी रखो अच्छी तरीके से, ठीक है। भले ही ना ही होता हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा एजुकेटेड बनने की ज़रूरत नहीं है, रख लो उसको सामने, रखो मतलब देखो मत किसी की आंखों में ज़्यादा, किसी को आई फ्लू है तो, ठीक है। तो अपने आप को हाइजीन रखो पूरी अच्छी तरीके से, कहीं से आते हो तो 3 से 4 बार हाथ धो, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ यार, हाथ धोने चाहिए, ठीक है। और सीधा हाथ में तो नहाता ही हूँ भाई आते सीधे, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं एडिटिंग करने इसलिए बैठा हूँ अभी क्या टाइम हो रहा होगा, 7 से 8 का टाइम हो रहा होगा, और मैं जल्दी एडिटिंग करने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि क्या है कि आजकल मेरे लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हैंग मार रहा है और उसकी वजह से मुझे एक्सपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अगर उस दिक्कत को मैं फेस करूँगा तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो अपलोड करने में, इसलिए मैं आजकल पहले जल्दी बैठ रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं सुबह वीडियो डाल दूँ जल्दी से और वो 9 बजे तक आपके पास आपके फ़ोन पर पहुँच जाए जो मेरा ब्लॉग्स देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी दैट यू आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स अगेन एंड अगेन। सो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग एट माई ब्लॉग, आई लव दैट यू वॉच माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।